चढ़कर का बैरिकेड एसीपी और सारे बड़े अधिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आज नवरात्रि की नवमी को मैं पूजा नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री को इसका पाप लगेगा। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं के साथ एक संक्षिप्त वार्ता में कहा कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पूजा करके आए होंगे, त्योहार के दिन ये हो रहा है यूपी में, खुद पूजा कर रहे हैं और हमें पूजा नहीं करने दिया, मैं खुद पूजा नहीं कर पाया, इसका पाप सीएम योगी आदित्यनाथ को लगेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज सड़क पर निकलकर साथ दिया, इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। जेपीएनआईसी को मॉडर्न तरीके से हमने बनवाया था, इंडिया हैबिटेट सेंटर से भी अच्छा बनता। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग लोकतंत्र को खत्म करने वाले हैं, दो साल बाद तो अपने को बचाने के लिए टीन शेड लगाना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए, अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उसका दोषी और पाप किसी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी को पाप लगेगा। हम भी पूजा नहीं कर पाए, भगवान प्रार्थना करेंगे, देवी से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम पूजा नहीं कर पाए हैं उन्हीं पे पाप पड़े। उधर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने देते हैं और भाजपा तानाशाह के रास्ते पर जा रही है। इस तरीके से तानाशाही के रास्ते पर जो महान लोग होते हैं, जो लौह पुरुष माने जाते थे जयप्रकाश जी, उनकी जयंती पर अगर इस तरीके से समाजवादी और समाजवादी के कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा तो ये तो समझते ही हो, अखिलेश यादव धरती पुत्र के बेटे भी हैं, पिछली बार तो उनको बेटे हैं जी, और इस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी को रोकने का प्रयास ये करेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी के लोगों को पूरे प्रदेश में कहीं पर भी रोक नहीं पाएंगे। वहीं यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा के सारे इल्जामों का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नियमों को तोड़ना, कानून को अपने हाथों में लेना समाजवादी पार्टी की संस्कृति बन चुकी है। और नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।